नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ में जिला अस्पताल में महिला का जमकर तांडव देखने को मिला। शराब के नशे में महिला धुत बताई जा रही थी। अस्पताल स्टाफ के रोकने पर अभद्रता करती हुई नजर आई। वीडियो में गाली गलौज भी कर रही है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के मलखान सिंह जिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसकी वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ। अच्छा चुप, फोन कौन उठा रही हो? हम तो है इज्जतदार, तू अपनी सोच ले। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सिफई पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने यूक्रेन से लौटे बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गोरखपुर में बाइक सवार लड़कों द्वारा राह चलते लोगों से मोबाइल और रुपया लूटकर भाग जाने की लगातार कई घटनाएं की खबरें सामने आ रही थी। कैंट पुलिस ने बाइक सवार गैंग के दो शातिर टेरों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 लूट के मोबाइल भी बरामद किए हैं। कैंट पुलिस द्वारा आज सुबह 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को पकड़ा गया है, जो थाना खोराबार के रहने वाले हैं। ये इनका मुख्य पेशा मोबाइल छीनना ही है। राहगीरों से मोबाइल छीनकर भाग जाते थे और उस मोबाइल को फिर बेचते थे। इनके पास से लूट के 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और इसके संबंध में 3 मुकदमे थाना खोराबार पर पंजीकृत हैं। इनके पास से 3 मोबाइल के अतिरिक्त 1 बाइक भी बरामद हुई है। सर, आपराधिक इतिहास आपराधिक इतिहास पहले से तो इनका अभी पता नहीं चला है, उसको अन्य थानों पर पता लगाया जा रहा है। जो 3 मुकदमे हैं खोराबार में पंजीकृत हैं मोबाइल लूट के। हरदोई जिले में बिजली के जर्जर हाई टेंशन लाइन खेत में गिरने से चाचा भतीजे की उसकी चपेट में आकर मौत हो गई। घटना के बाद साथ ही रह रहे किसान के साले ने 2 लोगों की मौत के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गांव में एक साथ 3 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये बीरपाल और उनका भतीजा सत्येंद्र कुमार और उनका पुत्र अनुराग कुमार ये सिंचाई कर रहे थे खेत में, और वहीं 11,000 लाइन का तार जो है टूटकर तारों पर गिर गया, जो खेत में जानवरों को बचाने के लिए लगाते हैं। और ये लोग उस तार से जो आग निकली, उस आग को देखकर खेत से बाहर निकलना चाहे, अब जैसे ही खेत से बाहर निकलना चाहे बस वैसे ही ये दोनों तार को उठाया, बस दोनों तार की चपेट में आकर इन दोनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 1000 वोल्ट की करंट लगने से या तो उसका तार टूट जाने से जो खेतों में बाड़ा लगाया जाता है, उस बाड़ जो तार से था उसमें करंट आ गया, उसको पार करते समय चाचा भतीजा की वहां मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, इस घटना को जान करके उसके साथ उन्हीं के साथ अपनी बहन के यहाँ ही उसका साला रमेश रहता था, जिसने इसी मानसिक द्वंद के नाते उसने आज आत्महत्या कर लिया, जिसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य कार्रवाई है उसको जो भी लाभ के लिए है जो उसको है उस परिवार को दिलाई जाएगी। मैनपुरी के बरनाला थाना क्षेत्र के कक्षा 9 की छात्रा के साथ विद्यालय के कार्यालय में फीस शुल्क बहाने से बुला लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। और यह अश्लील हरकतें करने वाला कोई और नहीं, विद्यालय का मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मैं पेपर देने गई थी वहाँ पे, उन्होंने क्लास में ऑफिस में गई तो उन्होंने ऑफिस में पहले हाथ पकड़ के पूछा अपनी तरफ, फिर एकदम सीने पे साथ लेके गए और किस करने लगे, तब तक दूसरा टीचर उनका लड़का गया। क्या नाम है टीचर का जो ये इस तरीके की हरकत कर रहा था? मुनीश। ये क्या पदभार है इनका, कौन है जाने? ये बताना चाह रहे हैं। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड ने जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन को लेकर तहसील पौड़ी के अंतर्गत गंगवाड़ी उसी पट्टी के ग्राम पंचायत उज्जैड़ी में गेहूं की फसल पर की जा रही क्रॉप कटिंग का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गेहूं की पकी फसल काटकर क्रॉप कटिंग का शुभारंभ किया। रायबरेली लालगंज क्षेत्र के दाऊदपुर रामनगर गांव निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी आदत बिगड़ गई। अनफॉर्चुनेट परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ये हमारे पति। क्या नाम है इनका? पंकज।
क्या मामला है जहर पुराने में, कैसे क्या है? हमें कुछ नहीं मालूम, गाड़ी से गए थे कहीं से आए और बस लैंडिंग गए हैं, बस इतना जानते हैं। हॉस्पिटल आई हो, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो हमको कुछ नहीं बताया। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अनंत तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैली है। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में जांच पड़ताल शुरू की है। बशरावा थाना क्षेत्र के प्रधान ढाबे के पास रेलवे ट्रैक की घटना। रुद्रपुर में बीते दिनों न्यायालय परिसर में पकड़े गए हथियारबंद बदमाशों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा की गई सख्त पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा कोर्ट परिसर में फायरिंग कर शातिर अपराधियों को छुड़ाकर ले जाने की रूपरेखा बनाई गई थी। सहारनपुर के कुतुबुद्दीन पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। अंबाला रोड के उनाली पुलिया पर चेकिंग के दौरान सफारी सवार बदमाशों को रोकने पर मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। थाना कुतुबशहर पुलिस द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में एक नोटोरियस शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में उसको तस्कर को गोली लगी है और परंतु उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा है, जिसकी हम लोग अभी भी कॉम्बिंग करवा रहे हैं। इसका नाम मनीष है और ये टीपी नगर मेरठ का रहने वाला है। इसके पास से करीब 30 पेटी अंग्रेजी शराब, अवैध तमंचा और एक सफारी गाड़ी, जिसको ये अवैध परिवहन के, अवैध शराब के परिवहन के लिए यूज़ करता था, वो सब बरामद हुई है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है थाना पुलिस का। जो वांछित अपराधी है उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। सहारनपुर के नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके से एक तमंचा, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस, एक स्कूटी सहित 1,00,000 की नकदी बरामद हुई है। घायल बदमाश की पहचान योगेंद्र बहादुर निवासी कैलानी नेपाल के रूप में हुई है। देखिए, आज कोतवाली नगर और सहारनपुर जनपद की स्वाट टीम के एक अपराधी के साथ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस पुलिस मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है तथा 1,00,000 रुपये कैश उसके पास से रिकवर हुआ है। एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल भी उसके पास से मिली। उसका एक साथी भागने में सफल हो गया है। जब पूछताछ हम लोगों ने की तो इस शातिर अपराधी ने अपना नाम योगेंद्र बहादुर निवासी नेपाल बताया। बाद में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये थाना कोतवाली नगर अंतर्गत प्रमुख समाजसेवी के.एल. अरोड़ा जी के यहाँ पर बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी में भी इस व्यक्ति का हाथ था। उसी चोरी के 1,00,000 रुपये इसके पास अवेलेबल थे और इसके अलावा थाना कैथल जनपद हरियाणा में भी 1,00,00,000 रुपए की डकैती हुई थी एक प्रमुख समाजसेवी के यहाँ 28 फरवरी को। उस डकैती में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैंग मेंबर था। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सनातन धर्म मंदिर के सामने के रामलीला मैदान को जाने वाले मार्ग से जेसीबी मशीन के माध्यम से अतिक्रमण हटाया। उधर रामलीला के मुख्य द्वार पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों के बाहर लटकाए गए सामान को भी हटवा दिया गया। हमारा टेम्प्रेरी जो स्ट्रक्चर थे वो तो हमने सब तोड़वा दिए हैं। कुछ जगह पे हमने रेड मार्क्स लगाए हैं जो कि परमानेंट है। इसमें 24 घंटे का टाइम दिया गया है, जो कि बिल्कुल सड़क पे बने हुए लोहे की जो हैं वो पायदान और लोहे के स्ट्रक्चर हैं, उनको 24 घंटे के लिए का वक्त दिया है। जो हमारे व्यापार मंडल है इसको 24 घंटे में नहीं हटाया जाता है, तो फिर हम प्रशासन की टीम और नगर पालिका की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। यहाँ पार्किंग प्रस्तावित है, पार्किंग का निर्माण होना प्रस्तावित है, तो इस संबंध में हम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए थे रामलीला ग्राउंड में। और इसके सामने ही राजस्व की एक और भूमि है, दो तीन जगह हमने यहाँ पे चिन्हित की गई हैं। अब इसमें आगे प्रशासन अपने उस पर देखेगा कि कौन सी भूमि उपयुक्त रहेगी पार्किंग निर्माण के लिए। चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ में पंचायतों के गठन और कोरोना काल के उपरांत पहली बार हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक में सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर छाए रहे। वहीं बैठक में सड़कों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे एनपीसीसी और बिडकुल जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी पर ध्वनित्व से निंदा प्रस्ताव भी पारित किए गए। जो सरकार की एक नीति है, बहुत गलत नीति जो ये देर की है सरकार ने, कि जो ये बिडकुल और इस प्रकार की जो ये कंपनियां हैं, तो सरकार का मैं सरकार का जो है एकदम समर्थक हूँ, लेकिन इसके मैं बड़े खिलाफ हूँ कि जो है बिल्कुल जैसी जो कंपनियाँ यहाँ पे जो है रोड का काम कर रही हैं, उन कंपनियों का न तो जो है यहाँ विभाग का जो है ऑफिस का पता है और न ही जो है उनके जो है कार्यों की गुणवत्ता सही है। सारे जो है यहाँ पे जो है क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोष यही बिल्कुल और सिटकुल टाइप के जो है विभाग पे है। इन लोगों के कार्यों की गुणवत्ता एकदम निम्न क्वालिटी के है,
सारे सदस्यों का इसमें जो है बड़ा रोष रहा, तथा बीच में पीएमजीएसवाई पे जो रोष का कारण ये रहा कि बीच में बरसात में जो है इनकी रोड़े टूटी है। लोगों का कहना है जीवन मिशन के तहत फर्स्ट फेज में केवल एफएसटीसी फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन दिए जाने का प्राविधान था, तो उसमें केवल कनेक्शन ही किए गए हैं। और जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे इस तरह की शिकायत आई है तो उसका समाधान फेज टू में कर लिया जाएगा, क्योंकि फेज टू का कार्य भी किया जाएगा। जैसे कि अभी एक दो बिंदु आए कि जो एससी के परिवार हैं, दो ग्राम पंचायत को शिकायत आई है, और आपने कहा कि भारत सरकार की जो IMSI जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की कमी के कारण, तो ये तो कैसे हो सकता है कि वो उन्होंने दो ग्राम पंचायतों में सिर्फ एससी के कुछ परिवारों को ही वेबसाइट ने छोड़ा हो, तो क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर कहीं छोड़े गए हैं, हो सकता है उसमें IMS के अनुसार परिवारों की संख्या कम हो और ठेकेदार ने अपनी आसानी के हिसाब से उसको वहाँ जोड़ दिया हो। अलीगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गया। अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, वाहन लेकर मौके से अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। मौके पर दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना लोधा क्षेत्र के खिरेश्वर चौराहे की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार मैक्स ने बच्चे को कुचल दिया। एडमिशन कराने माँ बच्ची को स्कूल ले जा रही थी, रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, अस्पताल में इलाज न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज न करने के आरोप लगाए, मौके पर पूरा हंगामा काटा गया। रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा गाजियाबाद जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, जहां एक सवार जैसी महत्वपूर्ण एम्बुलेंस सेवा को मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी बना दिया गया है। इस पर बच्चे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। मामला एक वायरल वीडियो के जरिए सामने आया है। ये वीडियो वायरल जो हुआ है उसका अभी मेरी जानकारी में तुरंत आया है और इसका संज्ञान लिया गया है, संबंधित से तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सर ये कहाँ का है, किस चीज़ का? ये जितवा टप्पा का लग रहा है, बाकी जांच में पता लगेगा, नंबर वगैरह है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल के करीबी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मुंशी नसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुंशी नसीम ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी। सहारनपुर में रामपुर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली भी लगी। बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस बाइक समेत 1,05,000 रुपए बरामद हुए हैं। नेपाल का रहने वाला बदमाश बताया जा रहा है। 12 अप्रैल को व्यापारी के मकान में चोरी में शामिल था बदमाश। थाना रामपुर मनिहारन इलाके के कंकरपुरी के पास की घटना बताई जा रही है। अदोई के टिणियावा थाना इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही 32 कोयला भट्टियों पर बुलडोजर चल गया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां पर बुलडोजर चलाकर सभी 32 अवैध कोयला भट्टियों को जमींदोज कर दिया और उनके संचालन करने वाले 15 लोगों के विरुद्ध टिणियावा थाने में FIR दर्ज की गई। टिणियावा थाना अंतर्गत ग्राम देराजपुर, ग्राम बर्रा सराय और ग्राम देविया फतेहपुर में अवैध रूप से स्थापित और संचालित कोयला भट्टियों को गिराया गया है। कुल 15 अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं। कुल 32 भट्टियों को बुलडोजर से गिराया गया है। अब जो अभियुक्तों के नाम जिन भट्टियां चलाई जा रही थी उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दोबारा सत्ता संभालते ही भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ जोन की IG लक्ष्मी ने हरदोई में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नाजुद्दीन खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पुलिस केस पर हाथी दांत की तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस विभाग में तैनात इस दारोगा समेत 3 लोगों को जयपुर पुलिस ने 13 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था। बिजनौर में SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए थाना अफजलगढ़ एवं पुलिस चौकी विवेकानंद कासमपुर गढ़ी और थाना रेहड़ की पुलिस चौकी भगत सिंह वादीगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण कर चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बागपत में बारातियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई, तमंचे से गोली चली और जिससे एक बाराती घायल हो गया। बारात में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। पैर में गोली लगने से घायल बाराती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।